नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू टू एक्सप्लोर की एक और वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट कैलाश। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज एक बार फिर से मैं आपको लेकर आया हूं कार डील पे, जहां आपको पता ही है लग्जरी गाड़ियां मिलती हैं। लेकिन आज हमने ऐसा सेगमेंट लगवाया है जिसमें आपको लग्जरी के साथ साथ कम पैसों में, कम बजट में भी गाड़ियाँ मिलेंगी। कुछ सेडान भी हैं और कुछ एसयूवी भी हैं, अगर मेरे पीछे आप देखेंगे तो। ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू कर देते हैं और मिलवा देते हैं कार डील पे राहुल भाई से। राहुल भाई, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज क्या दिखाने वाले हो खास? सर, एसयूवी भी है, लग्जरी भी है और सेडान भी है। तो आज का कलेक्शन बहुत बढ़िया रहने वाला है, मतलब बजट कलेक्शन रहेगा ये। बजट कलेक्शन रहेगा सर, ये जो हमने पिछला कलेक्शन लिया वो बड़ा ही मजबूत था वो। हाँ जी। चलिए, स्कोडा खड़ी हुई है सर, ये कौन सी? सर, ये स्कोडा लॉरा है, 2010 मॉडल है, मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर है, सिंगल ओनर है, दिल्ली नंबर है, 95,000 चली हुई है विद रिकॉर्ड। ओके, सिंगल ओनर है। ऑल ओवर इंडिया की एनओसी दे दूंगा, ऑल ओवर इंडिया ट्रांसफर करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके, कहीं भी ले जा सकते हो? कहीं भी ले जा सकते हो, कहीं की भी एनओसी चाहिए दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, क्योंकि गाड़ी बोलते ही जिस प्राइस में बोलनी है फोन आना है और चली जानी है। चलिए, वो तो हम अभी डिस्क्लोज करते हैं, लेकिन थोड़ा हमें इंटीरियर में समझा दो क्या क्या मिल जाएगा सर। इसके अंदर मैं बात करूं इंटीरियर की, तो फ्रंट बैक पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, प्रोजेक्टर लैंप्स मिल जाते हैं, कंपनी फिटेड बेज इंटीरियर है, लेदर सीट्स मिल जाती हैं। ठीक है। सेफ्टी वाइज देखे तो हमारे को इसके अंदर 4 to 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। बाकी रही बात डेंट पेंट की, तो मुझे लग रहा है कि ये ओरिजिनल है। अभी पूरी ओरिजिनल है, कुछ भी पेंट कराया नहीं है, सिंगल ओनर है, पार्टी के हैंड से अभी आई थी और अभी वीडियो में डाल दी है। अब प्राइस पे आ जाते हैं, जो चौंका दें ऐसे वाले प्राइस चाहिए। प्राइस सर जो इसका रहने वाला है, वो रहने वाला सिर्फ और सिर्फ 1,95,000 रुपये नेगोशिएबल। स्कोडा लोरा 1,95,000 की, और ये डीजल में है? डीजल कार है, मैनुअल ट्रांसमिशन में है। मैनुअल ट्रांसमिशन, इसलिए इसका एवरेज भी अच्छा खासा मिल जाएगा। एवरेज अच्छा 12-14 की एवरेज देगी और इंजन से बिल्कुल नई पड़ी है गाड़ी सर। ओके, ये तो आप आएंगे एक बार विजिट करेंगे, देखेंगे तो इंजन की स्थिति आपको तभी पता चलेगी। राहुल भाई पूरा आपको हेल्प करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। वॉक्सवैगन, ये कौन सी वाली है राहुल? ये वॉक्सवैगन एमयू है, ये नई आई है अभी। ओके, वॉक्सवैगन एमयू 2015 मॉडल है, ये भी डीजल की गाड़ी है, ये भी आपको 14-15 की एवरेज देगी। मैनुअल है ये भी? मैनुअल ट्रांसमिशन है, 56,000 चली हुई है, सिंगल ओनर है, दिल्ली का नंबर है। क्या मिल जाता है हमें इसमें अंदर? इसके अंदर कंपनी फिटेड स्टीरियो मिल जाता है, म्यूजिक सिस्टम कंपनी फिटेड मिल जाता है, लेदर सीट्स हैं हमारे को इसके अंदर मिल जाती है, बाकी पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग इसके अंदर कंपनी से ही जो आता है, बेसिक कार है सर। बाकी ये ब्लैक जो रूफ करा रखी है, ये करा रखी है या ऐसे ही आती है? करा रखी है सर, ये टेपिंग करा रखी है। टेपिंग है? हाँ जी। नॉन एक्सीडेंटल है ना? नॉन एक्सीडेंटल है सर, ओरिजिनल है गाड़ी, अभी कुछ पेंट वेंट नहीं कराया हुआ। चलिए अब प्राइस पे आ जाते हैं। प्राइस की बात करूं तो प्राइस रहने कौन वाला सा वो है, ये वेरिएंट है एमयू सर, ये मिडल वाला वेरिएंट है, ना टॉप है ना बेस है। प्राइस? प्राइस सर इसका रहेगा सिर्फ और सिर्फ 5,15,000, वो भी नेगोशिएबल। हाँ जी। चलिए, एक वॉक्सवैगन एमयू हो गई, अब बढ़ते हैं आगे। अब हम ऐसी जगह हैं कि जहाँ एक लग्जरी गाड़ी दिखाना तो बनता ही है हर वीडियो में। लग्जरी गाड़ी आपके सामने हाजिर है राहुल भाई, ऑडी। सर ये ऑडी A4 है, 2012 मॉडल है। ओके, एक ये है, एक और खड़ी है इसी जगह पे सामने, आप देखोगे तो सेम कलर के अंदर। अच्छा अच्छा, ये HR रजिस्टर्ड गाड़ी है, ऑडी A4 2012 मॉडल, 72,000 चली हुई है। बजट कार के अंदर आज हम इसको करेंगे, बजट कार है ये भी। ये भी बजट कार है, लेकिन आज का ये सेगमेंट बजट है हमारा, बजट सेगमेंट, बजट में ही आएगी ये। बिल्कुल सर, इसमें हमको सनरूफ मिल जाता है, सनरूफ मिल जाता है, बेज इंटीरियर कंपनी फिटेड, स्टीयरिंग बैक कंट्रोल्स कंपनी फिटेड, एंटरटेनमेंट स्क्रीन, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल एसी, ऑटो एडजस्टेबल सीट्स, पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं फ्रंट बैग में हमारे को, DRL विद प्रोजेक्टर लैंप्स। ओके, तो सारा कुछ मिल जाता है सर। ऑलमोस्ट लोडेड है, पूरी लोडेड है, कुछ भी नहीं कराना होता, बहुत बढ़िया गाड़ी होती है। एवरेज देखें 12+ आपको एवरेज भी देगी ये गाड़ी। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर है, बंपर पेंट है अगले पिछले, बस दोनों बंपर पेंट कर रखे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, खुल के सामने आना चाहिए, लोगों को अच्छा लगता है। हाँ जी सर। बाकी कितनी ड्रिवन है लगभग? सर ये 72,000 के अराउंड चली हुई है। ओनर सीरियल फर्स्ट, सिंगल, हरियाणा नंबर। प्राइस पे आ जाते हैं। प्राइस की बात करूँ तो सर इसका मिनिमम प्राइस हमने रखा है 9,75,000, 2012 मॉडल है। तो 9,75,000 में तो बहुत ही बेहतरीन डील मिल रही है आपको।
बाकी राहुल भाई के साथ बैठेंगे तो निगोशिएट भी करेंगे। बिल्कुल, चलिए बढ़ते हैं आगे, एक और गाड़ी दिखाते हैं। ऑडी, ऑडी दिखा रहे हो सर, क्या बात है, बहुत सारी ऑडी है। क्या कहते हैं कि हमारे पास है तो सारी, बट आज ऑडी जो है सबकी फेवरेट होती है। लोगों के पास जैगवार है और ऑडी खड़ी है, लोग कहते हैं हम ऑडी में बैठेंगे। एक अलग प्रीमियम लुक रहता है, प्रीमियम लुक रहती है सर। ऑडी चार छल्ले चाहिए, लोग कहते हैं जिंदगी में जरूरी है चार छल्ले। चलिए क्या डिटेल है इसकी, क्या क्या मिलता है पहले से हमें? सर 2011 मॉडल है, ऑडी A6 है। वो कॉम्पैक्ट सेडान थी, ये प्रॉपर सेडान है, फुल लेंथ है, फुल लेंथ सेडान है। इसके अंदर भी सनरूफ मिल जाता है, सिल्वर गाड़ी के साथ हमेशा ब्लैक इंटीरियर मिलता है। इसके अंदर जो डिफरेंट चीज है, मैजिक स्क्रीन मिल जाती है हमारे को। गाड़ी ऑफ करेंगे एंटरटेनमेंट स्क्रीन ऊपर आ जाएगी, पॉपअप हो जाएगी। अच्छा, पॉपअप टाइप है वो। गाड़ी को ऑफ करेंगे एंटरटेनमेंट स्क्रीन वापस अंदर चली जाएगी। ओके, पॉपअप स्क्रीन कैसे? हां जी, डिजिटल। इसका जो स्पीडोमीटर है सेंटर में हमारे को पूरा डिजिटल मिलता है। इसके अंदर नेविगेशन वगैरह सब चलती है। ओके ओके, फ्रंट मीटर ऑडोमीटर के अंदर ही हमारे को नेविगेशन का स्क्रीन मिल जाती है। ओके ओके, बात करें तो इसके अंदर स्पोर्ट्स मोड मिल जाता है, पैडल शिफ्टिंग मिल जाती है, क्रूज कंट्रोल वगैरह सब होता है, कंट्रोल मिल जाता है, सारा कुछ होता है सर इन गाड़ी के अंदर। ऑटो एडजस्टेबल सीट्स, बोस का बहुत हैवी सिस्टम होता है ऑडी A6 के अंदर। ऑडी के अंदर बाकी ये क्या, ईयर क्या है इसका? 2011 मॉडल है, 50,000 चली हुई है, सिंगल ओनर है, नंबर भी VIP है इस गाड़ी का, अगर आप आओगे तो पता चलेगा। डीजल में है ये भी? डीजल गाड़ी है, 2000 CC की है, 12-10 की एवरेज आपको आराम से देगी। बात करें तो पैसों की, इसके सिर्फ जो पैसे रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं 12,25,000। 2011 A6 है। चलिए भाई, ये तो बहुत ही बेहतरीन डील मिल रही है आज कार डील पे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऑडी में तो ज़रूर एक बार विजिट करें। तो बढ़ते हैं आगे और अब दिखाते हैं आपको SUV सेगमेंट। तो राहुल भाई SUV गाड़ी लगा रखी है, अभी तो हमने सेडान लुक दिखाया था, बढ़िया। अब SUV, ये टाटा सफारी। आज चारों जो है इंडियन सेगमेंट की SUV कार्स हम कवर कर रहे हैं, पिछली में हमने इम्पोर्टेड दिखाई थी, अब इंडियन। ओके, टाटा सफारी है, डाइकोर 2010 मॉडल है, हरियाणा रजिस्टर्ड है, सिंगल ओनर है। अगर कोई लेना चाहता है टाटा सफारी तो लेने आएगा तो इसको छोड़ेगा नहीं, ये इतनी अच्छी कंडीशन के अंदर है। अच्छा, नॉर्मली जो होती है गाड़ियाँ ऐसी अच्छी कंडीशन में नहीं मिलती, बट ये बेस्ट कंडीशन के अंदर है। सिर्फ बम्पर पेंट है अगले और पिछले, और कुछ भी पेंटेड भी नहीं है गाड़ी के अंदर, बाकी पूरी ओरिजिनल है, पूरी ओरिजिनल है। हाँ जी, 7-सीटर है, 75,000 के अराउंड चली हुई है, 2010 है, हरियाणा रजिस्टर्ड, सिंगल ओनर। राहुल भाई, अभी इसकी प्राइसिंग आपने क्या रखी है, जो कि उम्मीद करता हूँ कि चौंकाने वाली होगी? सर इसका जो आज हमने प्राइस रखा है वो रखा है सिर्फ और सिर्फ 2,45,000 रुपये। 2,45,000 में 2010 टाटा डेकोर आपका इंतजार कर रही है। बाकी राहुल भाई हैं ही, मिलेंगे आप एक बार तो आपको अच्छी खासी यहाँ से डील मिलेगी। अब आगे हम, ये शेवरोले की SUV है सर, मैं तो पहली बार कर रहा हूँ इस गाड़ी को। सर ये शेवरोलेट की कैप्टिवा है, ये भी SUV कैटेगरी? बिल्कुल सर, SUV है, 7-सीटर गाड़ी है ये। हाँ, डीजल गाड़ी है, ये भी 2010 मॉडल है, ये टॉप मॉडल है कैप्टिवा का, जिसके अंदर हमारे को सनरूफ मिल जाती है। ओके ओके, ठीक है, इससे ऊपर कोई मॉडल नहीं आता, इससे ऊपर कोई मॉडल नहीं आता, इसके अंदर सनरूफ मिल जाती है, प्रोजेक्टर लैंप्स मिल जाते हैं। ये उस टाइम की बहुत लग्जरी कार है, जिस टाइम आती थी नहीं, तो बहुत अच्छी गाड़ियां इन्होंने निकाली थी, लेकिन फिलहाल अभी ये देश छोड़ के चले गए। लेकिन स्पेयर पार्ट्स और सर्विस अवेलेबल है? अवेलेबल है। इसका ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक है, मैनुअल है? सर ये मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर है, कैप्टिवा एक्सट्रीम है। ओके, इसमें सनरूफ भी हमको मिल जाता है, 7-सीटर गाड़ी है ये, और बहुत स्पेशियस कार है, कहीं जाने आने के लिए बहुत अच्छी गाड़ी है, कहीं भी लेके घूमो, पहाड़ों में जाने के लिए बहुत अच्छी गाड़ी होती है SUV। बाकी इसमें डेंट पेंट की क्या स्थिति है? डेंट पेंट की बात करें तो सर अभी कुछ भी पेंट शेंट हुआ नहीं है गाड़ी के अंदर, कराना है और पीस कराना पड़ेगा तो करवा के दे देंगे। ओके, कितनी चली हुई है लगभग? सर ये चली हुई है 82,000। 82? हाँ जी। प्राइस डिस्क्लोज? प्राइस की बात करूँ तो सर इसका प्राइस रहने वाला है 3,75,000। और दिखाते हैं कार डील पे, नाम ही कार डील में डील लिखा हुआ है, तो डील तो मिलेगी। बिल्कुल सर, और वो भी राहुल भाई से मिलेंगे तो मुझे उम्मीद करता हूँ कि बेहतर डील देंगे। सेंटाफे? हाँ जी, 2014 मॉडल है, ह्युंडई की सेंटाफे, ये क्रेटा 5-सीटर होती है, ये 7-सीटर होती है। इसके अंदर बात करूँ तो फीचर्स की, इसके अंदर हमारे को हीटेड सीट्स मिल जाती है, सीट के अंदर भी AC चलता है, कहने का इस मतलब है इस गाड़ी के अंदर। क्लाइमेट कंट्रोल AC मिल जाता है, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, एयरबैग्स मिल जाते हैं हर जगह पे, ऑटोमेटिक गाड़ी रहने वाली है ये। 2014 मॉडल है, 43,000 चली हुई है सिर्फ, ब्रांड न्यू टायर्स हैं गाड़ी के अंदर। ओके, बेज इंटीरियर है। अच्छा, इसमें कुछ पेंट वगैरह? सर अभी कुछ भी पेंटेड नहीं है, ओरिजिनल ओरिजिनल है पूरी। ओके,
अच्छा, इसका माइलेज पे हम आते हैं तो ये डीजल में रहती हैं, तीनों एसयूवी हमने दिखाई हैं, तो क्या लगभग माइलेज? सर ये करीब करीब 10 से 12 की एवरेज हमारे को देंगी। तो प्राइस पे आ जाते हैं, प्राइस कितनी चली हुई है लगभग? 43 चली हुई है सर, एग्जैक्ट 43। प्राइस पे आ जाता है, प्राइस की बात करूँ तो इसका प्राइस रहेगा सर 12,95,000। नई कितने की आ रही है सर? ये नई 35 के अराउंड आती है। काफ़ी अंतर आ गया इसकी डेप्रिसिएशन में, 12,95,000 में राहुल भाई दे रहे हैं। अब दिखाते हैं भाई लास्ट में, ये गाड़ी ऐसी है कि अगर आप एसयूवी सेगमेंट बना रहे हो और उसमें ये गाड़ी नहीं है तो वो इनकम्प्लीट है। बिल्कुल सर, ये गाड़ी तो मतलब इसकी एक अलग ही फैन फॉलोइंग है। बिल्कुल सर, फॉर्च्यूनर लवर्स हैं बहुत इंडिया के अंदर, जो फॉर्च्यूनर जिसको लेनी है वो कुछ भी नहीं लेगा, लग्जरी भी नहीं लेगा, सिर्फ फॉर्च्यूनर लेगा। क्या डिटेल है इसकी? 2013 मॉडल है, यूपी रजिस्टर्ड है, सिंगल ओनर है, 47 चली हुई है विद रिकॉर्ड। ओके, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर मिल जाती है हमारे को ये, अंदर से देखोगे तो बिल्कुल साफ सुथरी है, क्योंकि 47 चली है मतलब ना के बराबर चली है। ओके, अभी ब्रांड न्यू टायर, एसयूवी गाड़ी इतना हैवी इंजन है 47, इसके लिए तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सर, लेस ड्रिवन है, सिंगल ओनर है। और आप पहले इसको चेक करा लेना, टाइम टू टाइम कंपनी में ही सर्विस हुई थी, जो लोग कहते हैं कि 47 कैसे चलेगी इतनी पुरानी है, पहले चेक करा लेना फिर मेरे से ले लेना। अंदर से बिल्कुल साफ सुथरी है, कंपनी फिटेड टच स्क्रीन स्टीरियो मिल जाता है, शेयरिंग बैक कंट्रोल्स मिल जाते हैं, बाकी ऑटोमेटिक है, 10 के अराउंड एवरेज देती है हमारी, डीजल में निकाली है, डीजल गाड़ी है। अच्छा, इसमें बम्पर मुझे लग रहा है पेंट है सर, बम्पर फ्रंट बैक पेंटेड है इस गाड़ी के अंदर, बम्पर पेंट है, बाकी प्रोजेक्टर लाइट्स वगैरह हमें आगे भी मिल जाते हैं इसमें। अब प्राइस पे आ जाते हैं राहुल भाई सीधे। सर इसका जो प्राइस रखा है, 13 मॉडल का, सिर्फ और सिर्फ 13,50,000। तो भाई फॉर्च्यूनर लवर के लिए एक बहुत ही अच्छी डील है 13,50,000 में। बाकी फैसिलिटीज़ के बारे में अगर हम जाएं तो हमारा वीडियो का आपको ऊपर लिंक मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करके यहाँ क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं सारी देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हम करना नहीं चाहते। और राहुल भाई आपका एक बार फिर से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इतना बढ़िया कलेक्शन आज दिखाने के लिए, होप के लोगों को पसंद आए। दोस्तों ये है आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई भी क्वारी है, किसी भी तरीके का आपका सुझाव है, तो मुझे कमेंट जरूर करें, लिखें जरूर, अपनी राय जरूर रखें, मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे सवालों का जवाब दूँ। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वही दो बातें मेरी, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, लेकिन अस्त व्यस्त मत रहो। इन्हीं दो बातों के साथ में मिलता हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद। चलो।